बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज की खबर की इस स्पेशल पॉडकास्ट में मैं जिले हुसैन और आमिर शहबाज हाशमी साहब आपके सामने हाजिर हैं। आज जिन खबरों पर हम तज़िया लेकर आएंगे उनमें से एक खबर निस्बतन कुछ पुरानी हो चुकी है। खबर कुछ यूं थी कि एक खानेवाल में एक नया वाकया हुआ जिसके अंदर एक शख्स के ऊपर तौहीन मजहब तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगाकर जो हजूम था उसने संगसार कर दिया उस शख्स को। अब उस शख्स के बारे में मुख्तलिफ बातें हैं बाद में कही जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं वो यानी जो मॉब था उसका कहना यह है कि वो ज़हनी तौर पे बीमार नहीं था, कुछ का कहना है वो बीमार था। लेकिन अगर हम देखें तो तसलसल से इस तरह के वाकयात जन्म लेते जा रहे हैं। और आमिर साहब, मैं आपसे जिस खास पहलू के ऊपर बात करना चाहूँगा, बहुत अरसा नहीं गुजरा एक श्रीलंकन फैक्ट्री के जनरल मैनेजर को इसी तरह से जिंदा जला दिया गया, उसके पे तशद्दुद किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया और उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। हमने देखा कि तमाम रियासती इदारों से लेकर तमाम फिरकों के उलमा हजरात जो हैं वो श्रीलंकन एम्बेसी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और माफी के तलबगार थे। हमारे वजीर आजम साहब ने एक तकरीब का भी इनेकाद किया जिसमें उस श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले को अवार्ड भी दिया गया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं जनाब कि क्या एक पाकिस्तानी की जान की अहमियत नहीं है या इतनी भी अहमियत नहीं है कि उसके ऊपर वजीर आजम साहब का बयान आ सकता है, अवार्ड तो चले दरकनार। क्या किसी पाकिस्तानी की जान की इतनी भी अहमियत नहीं है कि उलमा हजरात हाथ जोड़े माफी ना भी मांगे, कम से कम उसके लिए कोई मुजम्मती बयान ही दे दें? आप क्या कहेंगे सर इस वाक्य के बारे में और कहां जा रहे हैं हम? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है शाह साहब, आपने दुरुस्त कहा है कि सियालकोट के वाक्य पर श्रीलंका के एक शख्स जो एक फैक्ट्री में जनरल मैनेजर थे उनको मजहबी शिदत पसंदों के हाथों कत्ल हुए वो, और फिर रियासत इस पर मुतहरक हुई क्योंकि बैन अक्वामी सतह पर जो पाकिस्तान का पे जो एक कदगन लगने वाली थी और जिस FATF था और इसके अलावा और भी इस पे सेंक्शंस का इनको मसला था, तो इसलिए ये रियासत मुतर्रिक हुई और रियासत ने अपना यहाँ जो समाजी बुनियादों पर जो मजहबी हमारे अनासर हैं और दूसरे लोग हैं उन्होंने भी आगे बढ़कर फिर कोशिश की कि उस इजारे यकजहती करें, उसको उसके फैमिली को उन्होंने पेंशन वगैरह का भी और उसकी मुराद का भी ऐलान किया। और लेकिन जहाँ एक खानेवाल का एक शख्स की को कत्ल किया गया जिसके बारे में कहा गया कि ये ज़हनी फ़ाक़रुल अक़ल था, और फिर हम तो फिर अवाम हुई, अवाम की हैसियत तो इन हुक्मरानों के सामने कीड़े मकोड़ों की सी है। लेकिन अब असल में सवाल तो ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रहा है, ये तसलसल से ये वाक़यात क्यों रुमा हो रहे हैं? शाह साहब, समाजी बुनियादों पर बढ़ता हुआ तशद्दुद का अंसर अब गालिब हमें होता नज़र आ रहा है, जिस पर हर साहिब फिक्र नज़र को खासी तशवीश लाहक है। लेकिन इस नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? इस समाज का यही तफन था जिससे पूरे खित्ते में अब सड़ांध पैदा हो चुकी है। यहाँ का पढ़ा लिखा तबका यहाँ से यूरोप, अमेरिका, कैनेडा हिजरत कर चुका है और बाकी रह गया यह कचरा जिसमें हमने अपनी ज़िंदगी गुजारने पर हम मजबूर हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया का पूरा खित्ता बशमूल इंडिया इस जहालत की लपेट में है। पाकिस्तान में तो समाज की हर सतह पर जहालत को कूट कूट कर भर दिया गया है और अक्ल व मंतक की बात तो यहाँ हो ही नहीं सकती, यहाँ तक के डायलाग का रास्ता बंद कर दिया गया है और इस तरह हर मामला हसासियत का शिकार हो गया। तो इस पर आप बात ही ना करें, आप फकत शाहदोले के चूहे बनकर अक्ल व खुर्द को खैराबाद कहकर अपनी बची खुची ज़िंदगी बसर करते, यही वजह है जहालत इस माशरे का मिजाज बन गया है और जब ये समाज का जुज्बुलाजन हो जाए तो कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं हो सकता। बज़ाहिर हमारा पाकिस्तानी समाज दो वाज़े हिस्सों में तकसीम है, एक वो हिस्सा जहाँ निस्बतन बेहतर और मेयारी तालीम है जिनका ताल्लुक आसूदा घरानों से है और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में स्टडी के लिए भेजते हैं, उनमें अंग्रेज़ी बोलने का भी रिवाज है। हमारे यहाँ इस हिस्से में लिटरेरी फेस्टिवल भी होते हैं और इन मॉडर्न किस्म के लोग लड़के लड़कियाँ उनको अटेंड भी करते हैं। इनकी सोच अमूमन लिबरल और सेकुलर होती है, इनकी सोचों पर कदगन नहीं होती, इसलिए वो अपने हलकों में खुलकर हर मौजू पर गुफ्तगू करते हैं।
अब आइए दूसरे तबके की तरफ, जो पाकिस्तान की आबादी का 90% से ज्यादा है। यही वो पाकिस्तान है, यही वो पाकिस्तान है जिसकी अक्सरियत या तो स्कूल गए ही नहीं, अगर गए तो सरकारी स्कूल्स नहीं गए, अगर गए हैं तो उर्दू मीडियम तालीम हासिल की। ये तालीम इंतहा की दक्यानुसी है जो तरक्की याफ्ता ममालिक में मतरूक हो चुकी है। यहाँ रट्टे और किस्से कहानियों के अलावा आज़ाद सोच को पनपने नहीं दिया जाता और पसमानदा इलाकों और देहातों के दर्स गाहों में वो सोच मफकूद होती है जो लिटरेरी फेस्टिवल्स में जाने वाले लोगों की होती है। इसलिए पाकिस्तान के दिमागों पर वो घिसे पिटे इकदार की फौलादी टोपी चढ़ा दी जाती है जिससे ये समाज पसमानदा और खुसूसन मैं कहूँगा कि जनरल ज़ियाउल हक की उस पॉलिसी और उस पर मुंतज होने वाले समाज पर असरात जिसने रुजत पसंद की गहरी छाप इस 90% आबादी पर लगाई हुई है और आज भी हमारी रियासती पॉलिसी है और उनकी सरपरस्ती हासिल है। ये हमारे माशरे का अमूमी चलन है और यही कैफियत हो जो सियालकोट हो या खानेवाल जैसे वाक़ात तो उसका नतीजा है। कम अज कम मुझ जैसों को इस बात पर हैरानगी भी नहीं कि रियासती पॉलिसी ही के नतीजे में मजहबी शिद्दत पसंदी को परवान चढ़ाया गया और उसका नतीजा ये हुआ कोई किसी पर आवाज़ कसे कि उसने फलां चीज़ की फलां शख्सियत की तोहीन की तो किसी सोच और समझ के बगैर हजूम इकट्ठा हो जाता है और जो भी उस छोटे से दिमाग में उन छोटे छोटे दिमागों में कार्रवाई करने का दिल करता है तो कर गुजरते हैं और ये भी नहीं सोचते जिस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है क्या वो ज़हनी तौर पर नॉर्मल शख्स था, क्या उसका दिमागी हालत ठीक था। लेकिन जज्बात से बिखरे हुए हजूम को फ़कत सवाब कमाने और गाजी बनने का धुन सवार होता है और जहालत की नस नस उनके में समाई हुई है और वो सब कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसे वैश्याना अमल और दरिंदगी ही कहा जा सकता है। ये एक दो वाकयात है, ये खानेवाल का वाकया भी नहीं बल्कि वाकयात का तसलसल है और वाकयात को अगर मैं बयान करता चला जाऊँ तो कई दिन लग जाएंगे। यहाँ जहालत के साथ खुद गर्जी का अंसर भी गालब मैंने देखा है, मैंने खुद अपने मुशाहदे में देखा है कि ज़ाती रंजिश को मिटाने के लिए तोहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर बेरहमाना तरीके से लोग कत्ल कर देते हैं और इन दरिंदों के सामने सारी रियासती मशीनरी बेबस हो जाती है। पुलिस वाले फिर खानापुरी के लिए मुकदमे का इंदराज करते हैं। कितने ही बेगुनाहों को मैं जानता हूँ कि 295A 295B 295C पर के तहत मुकदमा दर्ज हुए, वो बरसों से जेलों में सड़ रहे हैं। अदलिया खुद इन अनासर से खौफ सदा है, इसलिए जो मामला निज़ाम अदल के सामने पेश होता है वहाँ जज साहबान आंखें बंद करके फैसला सुना देते हैं। बहुत से मौत की काल कोठड़ियों में है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस वक्त हमारे सामने सियालकोट और खानेवाल के वाकयात ताज़ा ताज़ा है, जिसका जिक्र आपने खानेवाल का भी किया और सियालकोट का किया। लेकिन क्या कसूर के उस भट्ठे वाले वाक्य को आप भूल गए जिसमें एक ईसाई जोड़े को उस पर प्लेस्टेमी का इल्ज़ाम लगाकर जिंदा आग में उनको फेंक दिया जाता है, मियाँ बीवी दोनों को आग में फेंक दिया जाता है। सेंट जोसेफ कॉलोनी का वाकया आप क्या भूल गए कि जिसमें उस पूरी कॉलोनी को वैश्यों ने जरगमाल बनाया और उस पर हमला करके ताराज करके रख दिया। सुलेमान तासीर का क्या कसूर था, क्या उसका कसूर इस कदर संगीन था कि वो आसिया नामी एक ईसाई औरत को मिलने जेल चला गया और आसिया भी उस पिसे हुए तबकात में से थी और माशरे के गैज़ो गज़ब का निशाना बन गई, लेकिन सुलेमान तासीर कत्ल हो गया। इस पर गुफ्तगू करने को तो शाह साहब दिल तो बहुत करता है लेकिन मामला हसास है, ज़्यादा बात भी नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी माशरे के असरात से अब बदकिस्मती ये ठहरी हिंदुस्तान पे भी पड़े और इंडिया उन्हीं रास्तों पे चल पड़ा है। भारत जनता पार्टी की हुक्मरान के ताबे समाज जो है वो इसी आग में जल रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि जहालत की जिस शाहराह पर भाग रहे हैं वो इतना आगे जा चुके हैं कि अब उनके लिए भी लौटना नामुमकिन है। लौटने की बात करने वालों को अपनी जिंदगियां हथेली पर रखते चलना होता है जिसके लिए कोई तैयार नहीं। पाकिस्तान की हर हुकूमत इस वहशत के बाजार को गर्म करने वालों के सामने अपने घुटने टेक देती है। जब रियासत खुद अपनी फोर्सेस को इन वैश्यों के आगे नहत्ता करके डाल दे और वो मार दिए जाएं और उस पर हुकूमत सौदेबाजी करे तो फिर शिकायत हो तो किससे करे। जब आखिरी फतह पागल हजूम की हो और दलील की मौत बाकी हो जाए तो फिर शिकायत हो तो किससे करे। किसी जज्बाती नारे से खौफ जदा होकर
रियासती मशीनरी के हाथ पांव फूल जाएं और अकल से आरी लोगों के हाथों से हालात आ जाएं तो वहशत का उरिया रक्स देखने को हमें मिलता है। कम अज कम हमारे दाद के मुस्तहिक दो अमर हैं, जिनमें एक समाज की जहालत है और दूसरा हो हमारे हुक्मरानों की कम अकली और बुजदली। ये हुक्मरान जो हमारे सामने बहादुरी का की अदाकारी करते हैं, हकीकत में सच्ची बात है चूहों की मानद है जो खतरा भांप कर पिल्लू में घुस जाते हैं। हमारा अल्लाह ही हाफिज है और आफियत इसी में हम समझ रहे हैं कि राजी रहो और खामोश रहो। जनाब, तो जनाब अली, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से माशरे में पैदा होने वाले इन मसाइल का तस्करा तो कर दिया, लेकिन सर अगर श्रीलंका के ऊपर तमाम मकतबा फिक्र के उलमा हजरात इकट्ठे हो सकते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर एक एक्शन ले सकती है, तो आखिर इस सूरत हाल में, जबकि वो शख्स पुलिस की कस्टडी में था, वो शख्स जो था वो हजूम से बचा के पुलिस ले जाना चाह रही थी, लेकिन उसके बावजूद अगर हजूम की फतह इसी तरह से होती रहेगी तो मुल्क में कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ के मसाइल और मुल्क किस अनारकी की तरफ जा रहा है। मेरा ख्याल से शायद हमारा हाल अफगानिस्तान से भी बदतर हो जाएगा। जी ऐसी है जी, अब यही सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर, मोहल्लों में हमें ये दरिंदे खुलेआम दनदनाते हुए फिरते हैं और जहां सोचना जुर्म हो, जहां बात करना जुर्म हो, तो वहां फिर ताफुन तो पैदा होता है और हो रहा है, जिसकी सजा में मुल्क जैसे लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर कि इसकी सजा एक ऐसा शख्स जो कि रोशन ख्याल है, जो कि सोचना पसंद करता है, वो डेफिनेटली इसकी सजा भुगत रहा है और यही मसाइल हमें, हमारे मुल्क को एक गहरी खाई में, एक गहरे खड्डे में लेकर जा रही हैं। और खुदा करे कि हमारे लोगों को शऊर आए और ये जो हजूम की फ्रस्ट्रेशंस हैं इनको किसी और तरफ लगाया जाए, ना कि तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब का नाम लेकर जो है इनको इस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इस उम्मीद के साथ कि हम एक दूसरे की जान और माल की हिफाजत करेंगे, क्योंकि इस्लाम हमें ये बताता है कि इंसानी जान की हुर्मत काबे से भी ज्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में एक इंसान को जिसका दिमागी तवाजुन ठीक अगर नहीं है, उसके साथ आप ऐसा करते हैं तो असल में आप काबे से भी ज्यादा हुर्मत रखने वाली चीज को या शख्सियत को या किसी भी इंसान को आप कत्ल कर रहे हैं, और किस गुनाह का के मुर्तकिब हो रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं। शायद आप तो आशिक रसूल हैं, आप तो आशिक मजहब हैं, आपको इस्लाम हमारे से ज्यादा बेहतर मालूम होगा। इसके साथ ही इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अतराफ के लोगों का ख्याल रखने की कोशिश कीजिए कम से कम। खुदा हाफिज़।